2020 फिल्मों के मामले में दोस्तों एक अच्छा साल ही रहा, जिसके शुरुआत में अगावे कुंठापुरम से लेकर अंत में चुरागाई पोट्टू और अंधागरम जैसे माइंड ब्लोइंग फिल्में हमें देखने को मिली। हालांकि दोस्तों मास्टर क्रैक और रेड जैसे काफी सारे फिल्में पोस्टपोन भी हुई, इसके बाद भी हमें बहुत सी फिल्में देखने को मिली। तो आज मैं उन्हीं में से टॉप 15 बेस्ट मूवीज की बात करूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी है। ये सभी फिल्में वाकई में तारीफ और टॉप रैंकिंग डिजर्व करती है और जिन्हें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए जानते हैं इन बेस्ट मूवी के बारे में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी मूवी की बात नहीं करने वाला हूँ, ये सभी फिल्म साउथ की ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुई बेस्ट मूवीज है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15, ओह माय कादावुये। ओह माय कादावुये एक तमिल फैंटसी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, जिसकी स्टोरी एंड मुझे पसंद आई है और मूवी की स्क्रीन प्ले भी काफी एंगेजिंग थी। मूवी फुल एंजॉय करने वाली है, जिसमें हमें अच्छी कॉमेडी के साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देखने को मिलती है। मूवी के लीड रोल में अशोक सरीवन, ऋतिका सिंह और फिल्म में हमें विजय सेतुपति की कैमियो भी देखने को मिलती है, जिनका फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और इस लिस्ट की दोस्तों हमारी नेक्स्ट मूवी भी विजय सेतुपति की ही मूवी है, जिसका नाम है का पे रणसिंघम। तो नंबर 14 पे है का पे रणसिंघम, जो की एक बहुत ही इशू पे बनी एक मूवी है, जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड के डेड बॉडी को वापस अपने देश में लाने की कोशिश करती है। फिल्म में ऐश्वर्या राजेश की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और इस फिल्म में दोस्तों हमें एक इमोशनल और एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। ये फिल्म दोस्तों एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसमें वुमेन पावर को शो किया गया है। वैसे दोस्तों अगर ये फिल्म आपसे मिस हो गई हो तो आप इसे G5 के ऐप पे हिंदी में भी देख सकते हो। नंबर 13, प्यासा 1978। तो प्यासा 1978 मेरे नजर में तेलुगु की एक बेस्ट मूवी और अंडररेटेड मूवी है, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार जरूर देखो। और एक्चुअली दोस्तों मैं भी इस मूवी को पहले नहीं देखने वाला था, लेकिन फिर मैंने अल्लू अर्जुन की एक ट्वीट पर ही जिसके बाद मैंने इस फिल्म को देखा और मुझे ये फिल्म काफी पसंद भी आई। ये फिल्म दोस्तों एक सिंपल क्राइम ड्रामा मूवी है, बट मूवी की स्टोरी, एक्टिंग और लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। नंबर 12, सरियरू निक्केवरू। तो सरियरू निक्केवरू महेश बाबू और रश्मिका मंदाना की मूवी थी, जिसमें हमें ढेर सारी कॉमेडी के साथ एक्शन भी देखने को मिली। महेश बाबू की रिसेंट की मूवीज किसी न किसी अच्छे इशू पे रही है और इस मूवी में भी हमें आर्मी ऑफिसर के लाइफ के ऊपर की कहानी दिखाई गई है। इस मूवी की हाईलाइट इसकी कॉमेडी सीन्स तो है ही, चाहे वो महेश बाबू हो या फिर रश्मिका मंदाना या फिर प्रकाश राज, सभी हमें फिल्म में काफी हंसाते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही इस फिल्म में हमें काफी एंगेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलती है। नंबर 11, लव मॉकटेल। लव मॉकटेल भी दोस्तों एक अच्छी रोमांटिक मूवी थी, जिसमें हमें ब्यूटीफुल रोमांटिक सीन के साथ एक फनी और इमोशनल स्टोरी देखने को मिली। मूवी में दोस्तों आदि अपने लाइफ के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जहां पे दोस्तों मूवी के फर्स्ट हाफ को फनी रखा गया है, वही सेकेंड हाफ रोमांटिक सीन से भरी हुई है। हालांकि दोस्तों जब भी हमें ऐसी कहानी देखने को मिलती है तो फर्स्ट हाफ को ज्यादातर फनी ही रखा जाता है। तो ये एक बिल्कुल ही एंजॉय करने वाली मूवी है, जो रोमांटिक मूवीज देखने वालों के लिए बेस्ट है। नंबर 10, कन्नुम कन्नुम कोलियदिथाल। तो ये 2020 की एक बेस्ट मूवी है, जो कि सच में एंजॉय करने वाली थी। फिल्म में दोस्तों हमें कमाल की स्टोरी देखने को मिलती है और इसे इस तरह से डायरेक्ट किया गया है कि मूवी की कहानी आपको कहीं पे भी बोर नहीं होने देती है। कुछ रोमांटिक सीन्स, फनी सीन्स और ट्विस्टिंग इंटरवल के साथ मूवी आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है। नंबर 9, दिया। लव मॉकटेल की ही तरह दिया एक कनाडा रोमांटिक मूवी है, जिसमें हमें एक बहुत ही अलग और इमोशनल लव स्टोरी देखने को मिलती है। ये फिल्म दोस्तों पूरी तरह से एंजॉय करने वाली फिल्म थी और हाँ, हमें ऐसी और रोमांटिक मूवी की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर हमें एक ही तरह की रोमांटिक फिल्म देखने को मिलता है, जिसमें लीड एक्टर अपने लव इंटरेस्ट का पीछा कर रहा होता है। तो ये फिल्म दोस्तों एक बिल्कुल ही डिफरेंट और एंगेजिंग मूवी थी, जिसे आप शुरुआत से लेकर अंत तक एंजॉय करते हो। नंबर 8, HIT। नानी के द्वारा प्रोड्यूस की गई HIT एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जो कि सच में अपने ऑडियंस को हर वक्त सस्पेंस में रखता है और कभी भी इस मूवी के मेन विलन के ओर ध्यान नहीं जाने देता, जिसके लिए मैं डायरेक्टर की तारीफ करता हूँ। फिल्म में विश्वांग सेन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, एक मेंटली डिस्टर्ब और सिंसियर पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर उन्होंने काफी अच्छे से निभाया है। इस फिल्म की सीक्वल भी दोस्तों आने वाली है, जिसमें हमें विश्वांग के कैरेक्टर के बारे में और भी जानने को मिलेगा। तो अगर ये फिल्म आपसे मिस हो गई हो तो आप इसे प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी मूवीज की बात की है, उन सभी मूवी को आप कहाँ पे देख पाएंगे, ये जानकारी आप वीडियो को पॉज करके सामने स्क्रीन से ले सकते हैं। तो अब आगे की मूवी के बारे में जानते हैं। नंबर 7, कलर फोटो। कलर फोटो भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक मूवी है, जो कि लव मॉकटेल और दिया मूवी से डिफरेंट और बहुत ही एंगेजिंग है। इस मूवी की कहानी से दोस्तों हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे सोसाइटी में होता है उसे ही फिल्म में दिखाया गया है। और हाँ दोस्तों, फिल्म में एक साइड एक्टर को लीड रोल में लेकर मेकर्स ने काफी अच्छा काम किया है। इस फिल्म में दोस्तों सुहास लीड रोल में है, जिन्हें आपने मजरी जैसे बहुत सारे तेलुगु फिल्मों में साइड एक्टर के तौर पर देखा होगा और ये इनकी एज अ लीड एक्टर फर्स्ट मूवी है, जिसमें इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। साथ ही दोस्तों मूवी की कहानी भी हार्ट टचिंग थी। नंबर 6, शिवाजी सुर्थकल। शिवाजी सुर्थकल कनाडा इंडस्ट्री
की एक मिस्ट्री थ्योरम भी है जिसके बारे में हो सकता है कि आप में से कुछ ही लोग जान रहे हो। तो ये दोस्तों एक बहुत ही एंगेजिंग और वेल डायरेक्टेड एंड वेल एक्टेड थ्रिलर मूवी है जो कि आपको पूरी तरह से कहानी के साथ हुक्ड रखती है। फिल्म में दोस्तों हमें कोई फेमस कनाडा स्टार देखने को नहीं मिलते हैं जिनसे हम काफी फेमिलियर हो, जिस वजह से लीड एक्टर के साथ कनेक्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन एक बार आप इस मूवी के लीड एक्टर के साथ जुड़ जाते हो तो आप इस फिल्म को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। मूवी दोस्तों सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है, तो इन केस आपसे मिस हो गई हो तो एक बार इसे जरूर देखना। नंबर 5 अय्यप्पनम कोसियुम। सच कहूं दोस्तों तो यह मुझे पृथ्वीराज की बेस्ट मूवी लगी, जिसमें कोई सस्पेंस और थ्रिल ना होने के बावजूद भी यह मूवी बहुत ही अच्छी है। मूवी में दोस्तों हमें सिर्फ दो आदमी की ईगो की लड़ाई देखने को मिलती है और जिस तरह से दोनों हर बार एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और जिस इमोशन के साथ इसे फिल्म में दिखाया गया है वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। मूवी की कहानी से लेकर दोस्तों इसकी BGM, दोनों एक्टर्स की एक्टिंग, लोकेशन जो कि गांव की दिखाई गई है, ये सब कुछ आपको पूरी तरह से एंगेज रखने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों एक ऐसी फिल्म है जो कि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई गई है, जिसमें टेंशन का कोई नामो निशान नहीं है। नंबर 4 अंधाघरम। अंधाघरम भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छी और एंगेजिंग थ्रिलर मूवी है जिसे ऐसे बनाया गया है कि आप इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहोगे। मूवी की स्क्रीन प्ले के साथ स्टोरी लाइन, BGM और एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है जो कि मुझे पसंद आई है। और सच कहूं तो साउथ इंडस्ट्री में ऐसे कुछ ही मूवीज बनी है जो पूरी तरह से अलग और परफेक्ट मूवी है। एक सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी होने की वजह से इस फिल्म को और थ्रिलिंग बनाने के लिए थोड़ा डार्क रखा गया है, जिस वजह से मूवी और भी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग हो जाती है। नंबर 3 अंजम पथिरा। तो 2020 की एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसमें हमें एक अच्छी स्टोरी लाइन, टाइट स्क्रीन प्ले, बैलेंस परफॉर्मेंस और अच्छी BGM सुनने को मिलती है। अंजम पथिरा एक वेरी क्राफ्टेड थ्रिलर मूवी है जो पूरी तरह से हमें एंगेज रखने में सफल रहती है। जो चीज दोस्तों हम एक क्राइम मूवी में देखना चाहते हैं वो सब हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। एक साथी किलर, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर और इन सबको सपोर्ट करने वाला एक अच्छी BGM। तो ये मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही जल्द हमें इसकी सीक्वल भी देखने को मिलने वाली है। उसका प्लेन यहाँ लैंड नहीं होना चाहिए। आसमान तेरे बाप का नहीं है, मेरा प्लेन लैंड होकर रहेगा। नंबर 2 सुगागाई पोट्रू। इस लिस्ट की वो फिल्म जिसमें मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग देखने को मिली वो है सूर्या की मूवी सुगागाई पोट्रू, जिसमें हमें सूर्या की बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फिल्म में जिस तरह से उन्होंने एक स्ट्रगलिंग आदमी जो कि एक बहुत ही बड़ा मकाम हासिल करना चाहता है उसके इमोशंस को अपनी एक्टिंग से दिखाया है, वो दोस्तों बेस्ट है। साथ ही दोस्तों सुधा कोंगरा के डायरेक्शन इस मूवी की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी। और ये दोस्तों सूर्या की बेस्ट कमबैक मूवी है जिसे आपको मिस भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 अला वैकुंठपुरम यो। तो 2020 की दोस्तों वो फिल्म जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई और जिसे मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो है दोस्तों अल्लू अर्जुन की ये फिल्म। इस फिल्म में दोस्तों हमें एक्शन, कॉमेडी, इमोशन और रोमांस सब कुछ देखने को मिलता है जो एक इंटरटेनर फिल्म में होनी चाहिए। त्रिविक्रम सर की डायरेक्शन, अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस और थनम की म्यूजिक इस फिल्म को बेस्ट मूवी बनाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी टॉप 15 बेस्ट मूवीज की लिस्ट। इन सभी मूवीज को आप कहां पे देख पाएंगे ये सामने मैंने स्क्रीन पे बता दिया है। होप कि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।